Yes, in this chapter, Russian Revolution, we are talking about the period when society or country, or you can say Europe continent, was divided into different groups. These groups I have discussed with you, and some were liberals, some were radicals. Liberals were the people who wanted to end monarchy system. Clear? They believe that voting rights should be given to all, but they were not in favor to give voting right to women. ये main difference था. Radicals की बात करें तो radicals के सारे points liberals के साथ मिलते थे, but radicals they believe in universal adult franchise. Then third, conservatives. Conservatives कौन होते हैं? Conservatives were the people who support monarchy system. They supported czar rule in the country. They believed in the slow changes. वो चाहते थे कि कंट्री में changes हो, लेकिन slow. एक ही जैसे हम कहते टाइम में मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस करके डेमोक्रेसी ना आए. दे वांटेड सम चेंजेस एंड दे रिस्पेक्ट द ओल्ड ट्रेडिशंस. वो ओल्ड ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते थे. देन सोशलिस्ट या सोशलिज्म. सोशलिस्ट जो थे वो सोशलिज्म लाने में बिलीव करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था दैट द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट शुड बी सोशल वेलफेयर. And all the means of production, big factories, industries, should be under the control of government. क्योंकि अगर वो government के control में होगा ना, तो government सबको fair distribution देगी. दूसरी तरफ थे capitalist. Capitalist कौन थे? जो चाहते थे that big industry should be in the hands of private people. And उनका main profit motive, जो motive था, that was earn maximum profit. And इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, उन कंट्रीज में वर्कर्स या पुअर पीपल जो हैं उनको सफ़र करना पड़ता है. आपको पता है हमारी जो कंट्री है वो मिक्स इकोनॉमी है. मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सम सेक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सम सेक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. क्लियर? तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जो सब में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसमें रिस्क का चांस ज़्यादा होता है, जैसे माइंस, माइनिंग इंडस्ट्री, वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया. बैंक्स को भी प्राइवेटाइज किया. वो बैंक भी दो तरह के हैं, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं. इवन एयरलाइंस को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया. ठीक है? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है? सोशलिज्म मीन्स सोशल वेलफेयर. ठीक है? तो अब ये हमारा जो है वो ये बिगनिंग के टॉपिक्स हैं आपके, रशियन रेवोल्यूशन के बिगनिंग के टॉपिक्स हैं. जो बिगनिंग के टॉपिक्स हैं उसमें हमने यूरोप की इकोनॉमी के बारे में बताना है कि जब यूरोप में 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों को क्या क्या सफ़र करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी. और मैंने आपको ये बताया कि रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर सोशलिज्म केम, जहाँ पर सोशलिज्म आया. तो सोशलिज्म से पहले जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी हमने वो थोड़ा सा बताना है. तो हमारा टॉपिक क्या है? सोशलिज्म इन रशिया. वर्किंग क्लास, नंबर वन वर्किंग क्लास के बारे में सबसे हम बताएंगे. वर्किंग क्लास कौन होती है? जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं. और टाइम पीरियड कौन सा है? 19th सेंचुरी के नियर अबाउट जब सिटीज में मैकेनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हुई, द मैनी पीपल दे केम फ्रॉम विलेज एंड माइग्रेटेड. ऐसी मूवमेंट जिसमें लोग विलेज से सिटीज में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. तो जब ये लोग सिटीज में आए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आए, वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग. उनके वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होते थे, बट वेजेस वर लो, सैलरीज कम होती थी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था. ठीक है? ये फर्स्ट हमने बताना है प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग क्लास. हमने ये बताना है कि सोशलिज्म यूरोप में क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या थे, चेंजेस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस लेकर आई थी. तो यहाँ पे हमने बताना है कि वर्किंग क्लास सफर्ड अ लॉट. वर्किंग क्लास को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, उनको बहुत सी मुश्किलें, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी. बट गवर्नमेंट, यानी कि एट दैट टाइम अगर रशिया की बात करें तो ज़ार वॉज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू दीज पीपल. सेकेंड प्रॉब्लम क्या आई? पावर्टी. जब मास माइग्रेशन, लोगों की माइग्रेशन होती है तो वो सिटीज़ में आए, सिटीज़ में उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे,
दे वर नॉट गेटिंग फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनका मोटिव क्या था, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज, रिच बिकेम मोर रिच, पुअर बिकेम मोर पुअर. तो ये मेन प्रॉब्लम आई उस टाइम पीरियड में प्राइवेटाइजेशन की या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. देन थर्ड, डिफरेंट ग्रुप्स आइडियोलॉजीज, ये मैंने आपको पहले अभी करवाया था ना ग्रुप्स, तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो. उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों के व्यूज आइडियोलॉजीज, लोगों के अपने अपने थिंकिंग जो है वो, कुछ लोग लिबरल्स, कुछ लोगों ने लिबरल्स को ज्वाइन किया, कुछ ने रेवोल्यूशनरीज को ज्वाइन किया, कुछ ने रेडिकल्स को ज्वाइन किया, कुछ ने कंजर्वेटिव्स को ज्वाइन किया. और इस तरह से यूरोप में लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज, फिलोसफर्स ने अपनी अपनी तरह से बुक लिखना शुरू कर दी. ठीक है, और ये एक जिसे हम कहते हैं कि बेस बना कि किस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्लेस किया जाए और सोशलिस्ट कंट्री या सोशलिज्म जो है वो कैसे कंट्री में आए. देन नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट्स. जिस टाइम पीरियड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पीरियड में लोगों के पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, क्योंकि ज़ार का रूल था रशिया में, और यूरोप में भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे मोनार्की सिस्टम था. देन पीपल दे वांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, लोग फ्रीडम चाहते थे. बिजनेस क्लास जो थे वो अपनी फ्रीडम चाहते थे, सिटीजन जो थे वो अपनी फ्रीडम चाहते थे. बट एट दैट टाइम पीपल दे सफर्ड अ लॉट, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. और जो लोग सिटीज में रह रहे थे दे वर लिविंग इन स्लम्स एरियाज, स्लम्स जो होते हैं, दे वर फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम, अनहाइजीनिक कंडीशन, पुअर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. सो दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो है दे वर डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग. तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से, सिटीज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुलने से, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी, और यही मेन बेस बना कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. और बहुत से फिलोसफर्स नई बुक्स लेकर आए, नई आइडियोलॉजीज लेकर आए. अब हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिलोसफर्स थे जिन्होंने सोशलिज्म को सपोर्ट किया, ठीक है, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. नंबर वन, सबसे पहले हमने बताना है आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव. अब ये क्या है बच्चे, एक तरफ एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में होती है, एक तरफ एक इंडस्ट्री प्राइवेट लोगों के हाथ में हो सकती है, लेकिन कोऑपरेटिव जो है ये इन दोनों के बीच की जो है वो कंडीशन है. कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें लोग पीपल कोलैबोरेट करते हैं. कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लोगों के पास जो सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को जोड़ा जाता है और लोग मिलकर प्रॉफिट शेयर करते हैं. गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है कि जब लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है, तो वो अपनी सेविंग्स को ऐड करते हैं, और उन सेविंग्स को ऐड करने के बाद कोऑपरेशन, यानी कि सपोज जैसे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनके पास जो भी सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को जोड़कर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव. और जो भी प्रॉफिट होता है वो सब में इक्वली डिवाइड कर लिया जाता है. ये कंसेप्ट जो था वो किसने दिया सबसे पहले, रॉबर्ट ओवेन. रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए. उन्होंने सबसे पहले कोऑपरेटिव बनाई जिसका नाम था न्यू हार्मनी. न्यू हार्मनी, वेट फॉर वन मिनट. यस, न्यू हार्मनी. रॉबर्ट ओवेन जो थे उन्होंने नई कोऑपरेटिव जो है बनाई, उसका नाम क्या था, न्यू हार्मनी, ठीक है. और इसका मेन मोटिव क्या था कि जब लोगों को गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करती है तो लोग अपने पास जो भी सेविंग्स हैं उनको जोड़कर, ठीक है, कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. कोऑपरेटिव्स का आइडिया उन्होंने दिया, ठीक है. देन
नेक्स्ट मेन जिसे हम कहते हैं कि सोशलिस्ट माने जाते हैं, दैट इज लुईस ब्लैंक. लुईस ब्लैंक, BLANCK, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे. इनका ये मानना था दैट एसोसिएशन ऑफ पीपल शुड बी देयर एंड गवर्नमेंट शुड एनकरेज कोऑपरेटिव्स, कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को इनकरेज कर. कोऑपरेटिव्स क्या होती है? एसोसिएशन व्हेन पीपल केम टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट इक्वली. जब लोग इकट्ठे होते हैं और जो भी वो सेविंग्स लगाते हैं उनको जोड़कर उनके प्रॉफिट जो है वो आपस में डिवाइड कर लिया जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव्स दे प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर. ये लोग इकट्ठे मिलकर अपने जो भी उनके पास सेविंग्स होती हैं उनको जोड़कर फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगाते हैं, प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट. वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं. अगर तो उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ मनी सेव की होती है तो उसके अकॉर्डिंग, और अदरवाइज जितनी अमाउंट लगाई होती है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को शेयर कर लिया जाता है. तो ये दोनों सोशलिस्ट माने जाते हैं, रॉबर्ट ओवेन एंड लुईस ब्लैंक. ठीक है, थर्ड जो मेन सोशलिज्म थ्योरी जिन्होंने सोशलिज्म को बहुत ज्यादा फेमस किया, थिंकर जो माने गए, कार्ल मार्क्स. इनके आइडियाज को मार्क्स आइडियाज भी कहा जाता है. ठीक है, एंड इन्होंने इनके कार्ल मार्क्स ने, इनके फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल्स, इनके साथ मिलकर एक बुक लिखी जिसको कहा जाता है दास कैपिटल. इस बुक में इन्होंने किनको अपोज किया? कैपिटलिस्ट. दे अपोज वाई, क्यों उन्होंने कैपिटलिस्ट जो है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपोज किया? इनका ये मानना था कि हर कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, हैव और हैव नॉट्स. हैव जिनके पास मनी होती है, हैव नॉट्स जो पुअर होते हैं. हैव तब तक रिच होते हैं जब तक पुअर उनको सपोर्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अल्टीमेटली मेहनत कौन करते हैं? वर्कर्स. लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट किनकी पॉकेट में जाता है? जो हैव्स होते हैं. कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी दास कैपिटल, इन्होंने, इनका जो मेन आइडिया था, इनका ये मानना था कि जब तक वर्कर्स मिलकर अपोज नहीं करेंगे अपने जो उनके इंटरेस्ट है उनके लिए फाइट नहीं करेंगे, तब तक इकोनॉमी में जो है वो एक्सप्लॉटेशन होती रहेगी. और इनकी बुक को पढ़कर बहुत से लोग जो थे, जो वर्कर्स थे या जो पुअर पीपल थे, ठीक है, उनके मन में रेवोल्यूशन की फीलिंग आई. तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को पढ़कर सोसाइटी में जो पुअर पीपल थे या जो ऐसे लोग थे जिनको वेजेस प्रॉपर नहीं मिल रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपोज करना शुरू किया. ही सेड टू फ्री फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने ये कहा कि अगर लोगों को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिवोल्ट. उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, रिवोल्ट करना पड़ेगा. और आपको पता है कि मार्क्स ने प्रेडिक्शन की थी कि ये जो है वो यूरोप के किसी कंट्री में होगा, पर ऐसा नहीं हुआ. रशिया में रेवोल्यूशन आया, फार्मर्स रेवोल्यूशन लेकर आए. ठीक है, तो 1905, 1917, फेबर, अक्टूबर, तो दीज आर द, यू कैन से, एग्जाम्पल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज. और कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो थे वो लोगों ने किनकी बुक से पढ़े? कार्ल मार्क्स. उनकी बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल. ठीक है, इनका ये मानना था, कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि ऑल द प्रॉपर्टी, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए. और प्रॉफिट जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ कम्युनिटी. इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है वो किस सोसाइटी को ड्रीम करते थे? उनका ड्रीम क्या था? कम्युनिस्ट सोसाइटी.
कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी जिसमें जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो किसी प्राइवेट पीपल के हाथ में ना हो, वो सबके, जिसे हम कहते हैं कि सबके ऊपर उसकी इक्वली जो है वो असेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे, कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो मार्क्स की सोसाइटी, मार्क्स का ड्रीम क्या था, कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। और ऐसी सोसाइटी जो थी वो अल्टीमेटली कहाँ पे देखने को मिली, जब रशिया में रेवोल्यूशन आया, लेनिन कम्युनिस्ट, लेनिन ने क्या किया था आपको याद है, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या रखा, कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके बाद स्टालिन ने ऐसी सोसाइटी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया रशिया में। ठीक है, तो ये सारा जो है वो सोशलिज्म का बेस था, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो आइडियोलॉजीज जो थी वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजीज थी। और इन्हीं आइडियोलॉजीज के ऊपर सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में अलग अलग जितनी भी कंट्रीज थी वहां पे भी जो है वो सोशलिज्म को लाने के लिए लोगों ने बहुत से एफर्ट्स किए। अब हमने ये बताना है पार्टीज का नेम, कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी पार्टीज बनी। सोशलिस्ट इन यूरोप दे फॉर्म डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे पहले आपने बताना है सेकेंड इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल एक ऐसी पार्टी थी इंटरनेशनल लेवल पे जो सोशलिस्ट, यानी कि जो सोशलिज्म, जिनका मेन आइडिया क्या था, टू ब्रिंग सोशलिज्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद जर्मनी, जर्मनी में भी वर्कर्स ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, इंग्लैंड में भी एसोसिएशंस बनी। ठीक है, उनका इनकी मेन डिमांड क्या होती थी, बेटर लिविंग कंडीशंस। दे सेट अप फंड्स, वो फंड इकट्ठा करते थे ताकि अपने मेंबर्स को हेल्प की जा सके। ठीक है, उनका उनकी मेन डिमांड क्या थी, बेटर वर्किंग आवर्स, राइट टू वोट। तो ये सोशलिज्म की मेन डिमांड थी, ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में इन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम थी। देन जर्मनी में बनी, ये तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे थी। अब हम कंट्रीज की बात करें तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी, जर्मनी में पार्टी बनी। देन ब्रिटेन में भी एक पार्टी बनी, लेबर पार्टी, जिनका मेन मोटिव क्या था, लेबर्स के बारे में प्रॉपर जो है वो पॉलिसीज बनाना, उनको सपोर्ट करना। देन फ्रांस में पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है हमारे इंडिया में भी सोशलिस्ट जो है इस थ्योरी को बिलीव करने के लिए कुछ पार्टीज हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन सी पार्टी है जो सोशलिज्म को सपोर्ट करती हैं, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक और है सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम फॉर मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज को इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन आपको पता है आज के ट्रेंड पीरियड में, आज का जो मेन ट्रेंड है, ठीक है, वर्ल्ड में सोशलिज्म जो है उसको अपोज किया जा रहा। इवन यूएसए जैसी कंट्रीज वो नहीं चाहती कि कंट्री में सोशलिज्म आए, ठीक है, क्योंकि यूएसए में बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो अभी भी रिच पर्सन या प्राइवेट पीपल के हैंड्स में है। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी कंट्री में पूरी तरह से 100% सोशलिस्ट या सोशलिज्म आए। क्लियर, तो इवन हम अपनी कंट्री की बात भी करें तो हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, लाइक अगर हम बात करें अंबानीज, बिरलाज, टाटाज, इनके पास अनलिमिटेड प्रॉपर्टी थी। दूसरी तरफ पीपल दे आर लिविंग इन स्लम्स एरियाज, तो बेस जो है वो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर सोशलिज्म, अगर किसी भी कंट्री में 100% सोशलिज्म आता है तो उससे क्या होगा, द अनलिमिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिच पीपल विल बी टेकन एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट and then that property will be distributed among poor people. So indirectly rich people in the country or big industries, wo kabhi nahi chahenge ki country mein 100% socialism aaye.
क्लियर. तो नो डाउट दीज पार्टीज आर वर्किंग इन देयर ओन फील्ड्स, वो अपने अपने कंट्रीज में वर्क कर रही हैं, उनका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर. लेकिन सोशलिज्म मेन रशिया में ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद इवन चाइना, चाइना में भी वन पार्टी नेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी है. कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सोशलिज्म जो है सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सोशलिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो दैट वॉज ऑल अबाउट रशियन रेवोल्यूशन. नाउ आई विल डिस्कस विद यू सम क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑल, सो वन बाय वन. Yes, first is pauses. First question is pauses of Russian Revolution, social, economic, and political conditions. So just tell me the headings. Yes, any one of you raise your hand. You have to just tell me the headings, because answer is clear to you. You will tell me that we have discussed. Just tell me the heading, because it is not possible that whole answer you will speak. Just tell me the headings. First question is, what were the social, economic and political conditions? Just इसके बारे में आपने one one line में मुझे answer बताना है, so that the concept should be clear to you. I think this answer you have already completed in your notebook. अंजी जिया, yes बेटा, yes. Keep a mic on. Yes बेटा, keep a mic on. Yes, ma'am. Number one, political causes. Causes of Russia. Yes, it was monarchy or autocratic system. Okay. The religion of king was Orthodox Christianity. Okay, very good. Yes, so it means you can write political causes. Then you can write social cause. You can write economic cause. Then, other than that, you can also write different groups and political parties. These were the main cause of Russian Revolution because they brought revolutionary ideas in the society. So Jia, answer is clear to you? You can write? Yes, yes ma'am. Next is second question. In what ways was the working population in Russia from other countries? How working population of Russia was different from other countries? Other countries, mein France ki example le sakte ho. बिकॉज आपने दो रेवोल्यूशन पढ़े हैं, एक पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन. जस्ट हमने इसमें ये बताना है कि रशिया के जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है. और फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने ये बताना है, एट दैट टाइम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू थ्री एस्टेट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड ऑल द बर्डन ऑफ टैक्सेस वॉज ऑन द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, ठीक है. तो रशिया के रेवोल्यूशन में वर्किंग पॉपुलेशन आपने बतानी है कि 15% people they worked in the factories, working hours were very long and unhygienic conditions they were facing. They were not given any kind of facilities from the government, ठीक है. And but in France की अगर बात करें तो France में आपने ऐसे conditions नहीं पढ़ी हैं, ठीक है. लेकिन Russia में इसलिए problem आई क्योंकि वहाँ पे all the big industries were under the control of private people. वहाँ पे privatization ज़्यादा था, ठीक है. तो ये मेन प्रॉब्लम आपने बतानी है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो रशिया में, उसको प्रॉब्लम क्यों आई, बिकॉज बिग इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल, दे सफर्ड अ लॉट, दे वर यू कैन से टर्मिनेटेड, डिसमिस फ्रॉम एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस. सो दैट्स व्हाई मेनी पीपल दे कॉल स्ट्राइक, क्लियर. तो ये आपने इसमें बताना है कि वर्किंग पॉपुलेशन मेन बता. ये परसेंटेज आप बता सकते हो कि 85% जो थे वो एग्रीकल्चरस थे, 15% जो थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे. तो रशिया के आपने जो है एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन आपने इसमें बतानी, ठीक है. देन व्हाई डिड ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स, ज़ार की जो ऑटोक्रेसी थी कोलैप्स क्यों हुई 1917 में. तो इससे पहले के सारे आपने पॉइंट्स बताने, जस्ट टेल मी द हेडिंग्स, विच हेडिंग्स यू कैन राइट. 1917 से पहले के सारे हेडिंग्स आपने बताने, कंडीशन बतानी है, इसको हेडिंग की फॉर्म में बताना शॉर्ट में. हाँ जी, हु विल टेल मी, अदरवाइज आई विल हेल्प यू. यस, ट्राई टू गिव द हेडिंग्स. मींस आपने बताना है व्हाई ज़ार, द रूल ऑफ ज़ार फॉल, व्हाट काइंड, व्हिच काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय द पीपल, काइंड ऑफ कंडीशन, काइंड ऑफ कॉजेज. ये कॉजेज ही हैं आपके. आपने 1917 से पहले सारी इवेंट्स को आपने ईयर वाइज लिख देना,
और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स, यस वेरी गुड अंशिया, यस यस हाँ जी, कीप ए माइक ऑन। नंबर वन ऑटोक्रेटिक रूल इन रशिया, हाँ जी वेरी गुड। ऑटोक्रेटिक रूल, आपने ऑटोक्रेटिक रूल को अपोज करना, आपने ये बताना है एट दैट टाइम पावर वॉज ओनली इन द हैंड ऑफ ज़ार निकोलस, वोटिंग राइट्स वर नॉट गिवन, पॉलिटिकल पार्टीज राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी वॉज नॉट गिवन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन वॉज नॉट गिवन, सो दैट्स वाई मैनी पीपल दे हेटेड। सेकेंड आपने क्या बताना है, हाँ जी नेक्स्ट हेडिंग, हाँ जी इकोनॉमिक कॉज, वर्कर्स वर एक्सपोर्ट, ब्लडी संडे बताओगे उसके बाद आप, 1905 ब्लडी संडे, दैट एट दैट टाइम मैनी पीपल दे वर किल्ड, इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, उस इंसिडेंट के बाद लोगों के माइंड में ज़ार निकोलस की रिस्पेक्ट खत्म हो गई, ठीक है। थर्ड आप बताओगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्राइसिस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली रुइंड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे वर किल्ड इन। फोर्थ आप बताओगे सोल्जर्स वर फेड अप फ्रॉम द वॉर, ठीक है। देन आपने बताना है कि इसके बाद ड्यूमा, नो डाउट ही यू कैन से पीपल दे फॉर्म ड्यूमा, बट ज़ार निकोलस ही इम्पोज कर्फ्यू, उसने कर्फ्यू लगा दिया, एंड विदाउट द यू कैन से अप्रूवल ऑफ ड्यूमा रशिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड वॉर कंट्री, वॉर कंट्री जो है उसको डिक्लेयर कर। तो दीज वर द रीजन्स, आपने ये सारे रीजन्स जो हमने इससे पहले पढ़े हैं उनको आपने समरी बनाकर उसके पॉइंट्स में लिखना, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपने डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये तो बहुत ईजी है, एक तरफ आप फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की इवेंट्स बताओगे और एक तरफ अक्टूबर। अगर डिफरेंस की बात करें तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय मेंशेविक, अक्टूबर रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय बोल्शेविक। लीडर ऑफ मेंशेविक करेंसकी, लीडर ऑफ बोल्शेविक लेनिन। मेंशेविक से पहले आपने बताना है कि ब्लडी संडे इंसिडेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज रिस्पॉन्सिबल, अक्टूबर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था, वीकनेस ऑफ करेंसकी, ठीक है। इसके बाद करेंसकी का आपने ये बताना है ही वॉज नॉट एबल टू यू कैन से रूल बिकॉज लेनिन कंट्रोल्ड, और लेनिन में आपने बताना है दैट ही इम्प्लीमेंट अप्रैल थीसिस। करेंसकी का आपने बताना है ही वॉज नॉट एबल टू क्लोज द वॉर, लेनिन का आपने बताना है ही वॉज एबल टू क्लोज द वॉर एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड। तो ये मेन आपने डिफरेंसेस बताने हैं दोनों रेवोल्यूशन, क्लियर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय बोल्शेविक्स आफ्टर अक्टूबर। इनडायरेक्टली बच्चे ये क्या है, लेनिन की पॉलिसीज, ठीक है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपका क्या है, लेनिन पॉलिसीज। तो टेल मी लेनिन पॉलिसीज, जस्ट हेडिंग, यस रेज योर हैंड, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर। आफ्टर द अक्टूबर का मतलब है कि जैसे ही लेनिन ने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद कंट्री की कमांड को संभाला, उसने सबसे पहले क्या किया, ही इम्प्लीमेंटेड अप्रैल थीसिस। उसके बाद उसने किस तरह से कंट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, अप्रैल थीसिस को आपने सारा डिटेल में बताना है। फिर आपने बताना है दैट ही कंसिडर्ड रशिया एज अ वन पार्टी नेशन, ही अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस, ही इम्पोज सेंसरशिप, ही वॉज एबल टू क्लोज द वॉर विद द पीस ट्रीटी, देन ऑल रशियन ऑफ कांग्रेस वॉज अ पार्लियामेंट, ही कंडक्टेड इलेक्शंस इन द कंट्री। तो ये अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस आए, जो चेंजेस लेनिन ने कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की वो आपने इसमें बताना। नेक्स्ट इज राइट अ नोट, इसमें आपने शॉर्ट में नोट्स जो हैं, नंबर वन कुलैक्स, हु वर कुलैक्स, कौन थे कुलैक्स, रेज योर हैंड, व्हाट डू मीन बाय कुलैक्स, आपने कुलैक्स का इसमें वन लाइन मीनिंग बताना है। कुलैक्स कौन थे बच्चे, रेज योर हैंड, वेरी इजी, हाँ जी जिया जानवी, हाँ जी हु वर कुलैक्स, हु वर कुलैक्स, के यू एल ए के एस, कौन थे कुलैक्स बेटा, दे वर वेल टू डू पीजेंट्स, हाँ जी वेल टू डू पीजेंट्स, दोज हु स्टोर ग्रेन, जो रशिया में, ठीक है कुलैक्स। एंड व्हाई स्टालिन ही रेड, ही पुट रेड ऑन कुलैक्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही वांटेड टू गेट अनलिमिटेड प्रॉपर्टी एंड ग्रेन फ्रॉम देयर कंट्रोल, वो उनसे कंट्रोल, उनका कंट्रोल जो था वो छीनना चाहता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूमा, ड्यूमा क्या है, वेरी इजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूमा,
ड्यूमा का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ वन वर्ड, ड्यूमा क्या है? ड्यूमा इज क्या थी ड्यूमा? हाँ जी, 1905 के इंसिडेंट के बाद जार निकोलस ने ड्यूमा बनाने की परमिशन दी, तो ड्यूमा क्या थी? यस जिया जानवी, वेरी गुड. क्या थी ड्यूमा? इट वॉज अ काइंड ऑफ. हाँ जी मैम, पार्लियामेंट. वेरी गुड, यस ड्यूमा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, वेरी गुड. हाँ जी नेक्स्ट, वुमेन वर्कर्स परसेंटेज बतानी है आपने इसमें. हाउ मेनी वुमेन वर्कर्स वर इन रशिया इन फैक्ट्रीज? 31%. 31% वुमेन दे वर्क इन द फैक्ट्रीज. लेकिन प्रॉब्लम आपने बतानी है, दे वर पेड लेस एज कम्पेयर टू मैन. नो डाउट दे वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, बट दे वर गिवन, दे वर पेड वेरी, यू कैन से लेस एज कम्पेयर टू मैन. नेक्स्ट इज हु वर लिबरल्स? लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स की थिंकिंग क्या थी बच्चे? आपने मुझे लिबरल्स के बारे में बताना है कि हु वर लिबरल्स. यस तनवीन, वेरी गुड. हाँ जी, हु वर लिबरल्स? हाँ जी, कीप अ माइक ऑन. लिबरल्स वर दोज हु अपोज्ड मोनार्की एंड ऑटोक्रेटिक रूल. दे वांटेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दे आल्सो वांटेड जुडिशियल सिस्टम. दे अपोज्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हां, बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग वुमेन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन. ओके, वेरी गुड. लास्ट इज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या बताओगे इसमें आप? कलेक्टिवाइजेशन प्रॉब्लम में स्टालिन जो था उसका मेन मोटिव क्या था? व्हाई ही वांटेड टू कलेक्टिवाइज लैंड, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड टू यू कैन से फॉर दैट ही रेडेड ऑन कुलैक्स एंड ही आल्सो फाउंड कोलखोज स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स. ठीक है, और ये स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में आपने बताना है दैट मैनी पीपल दे वर फोर्स टू डू कंपेल टू डू फार्मिंग इन द कोलखोज. और जिन लोगों को कंपेल किया गया दे नोइंगली डिस्ट्रॉयड देअर एनिमल्स, एनिमल लाइफ स्टॉक. उन्होंने जानबूझकर अपना जो स्टॉक था उसको खत्म कर दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये गवर्नमेंट के हाथ में लगेगा तो उनको शेयर करना पड़ेगा. स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, क्लियर? हाँ जी, सो यू कैन राइट दीज इन योर नोटबुक्स. सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. नेक्स्ट आई विल स्टार्ट राइज ऑफ हिटलर. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क योर डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. इफ यू हैव एनी डाउट